नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक जो केस बहुत ही ज्यादा धीरे और कछुए की रफ्तार से चल रहा था, अब उसमें अचानक से ही पंख लगने वाला है और सुशांत सिंह राजपूत का केस बिल्कुल रॉकेट की तरह अब आगे जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होने में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व होने में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के पद के लिए उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही बड़े पद पर नौकरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और विकास सिंह अगर इस काम में कामयाबी पाते हैं तो निश्चित ही सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत तेजी से आगे जाएगा और सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को इस पद को हासिल करने के बाद बहुत आसानी से इस केस को सॉल्व कर देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी बार एसोसिएशन होते हैं उनके पास काफी तरह की ताकतें होती हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह को जैसे ही ये ताकत मिलेगी तो निश्चित ही वो इसका फायदा उठाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के पूरी तरह से होश उड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब सुशांत सिंह राजपूत का केस रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह के बीच की अब एक जंग बन गई है, जहां सतीश मान सिंधे रिया चक्रवर्ती को बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं तो वहीं विकास सिंह भी पूरी तरह से सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हर एक पैंतरा आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां सतीश मान सिंधे ने अपने सर पर हाथ रख लिया और उनका यह कहना है कि अब तो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को भगवान ही बचा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास सिंह ने यह कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवा कर रहेंगे, फिर इसके लिए उन्हें कितने भी दिनों तक इस न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सबके बीच अब रिया चक्रवर्ती बहुत पूरी तरह से पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां विकास सिंह कई तरह के सबूत पेश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी इस केस में दोषी घोषित कर चुकी है और इस वजह से अब रिया चक्रवर्ती की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और रिया चक्रवर्ती को ये समझ में आ चुका है कि अब आने वाले दिनों में उनका बाहर की जिंदगी बहुत ज्यादा बची है नहीं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बहुत जल्द एक बार फिर से जेल में जाना पड़ सकता है और रिया चक्रवर्ती बहुत जल्द दोषी पूरी तरह से करार दी जाएंगी। अब आप बहुत जल्द आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से कोर्ट कचहरी में घसीटा जाएगा। इतना ही नहीं, उनके भाई सौविक चक्रवर्ती को भी घसीटा जाएगा, क्योंकि इन दोनों पर ही आरोप लगा है कि इन दोनों ने जानबूझ करके सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने की कोशिश की थी और इन दोनों ने ही जानबूझ करके ड्रग्स में सुशांत सिंह राजपूत को घसीटा था। अब ये पूरी तरह से जब साबित हो चुका है, चार्जशीट दायर हो चुकी है और एक लंबी चौड़ी चार्जशीट आई है, इसके बाद तो रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती की बोलती बंद होने वाली है और विकास सिंह जो एक से बढ़कर एक पैतले आजमा रहे हैं सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए, तो इससे साफ है कि अब रिया चक्रवर्ती ज्यादा दिनों तक जेल के बाहर रह नहीं पाएंगी। तो आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है आप हमें जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या रिया चक्रवर्ती फिर से एक लंबे टाइम के लिए अब जेल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।